हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके बारे में, हम शॉर्ट में एफएफ कहते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो कोर्स है ये है एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में एफएफ कहा जाता है। ये जो कोर्स है ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मुंबई की तरफ से जो है वो लिया जाता है। अब इसकी जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन ने जो है यहाँ पर फाइनल कॉपी जो है पब्लिश की है, जो है 11/7/2023 को, यानी कि इसी महीने में। तो जैसा कि आपको पता था कि ये जो कोर्स है ये एक साल का होता है, लेकिन साल में एक ही बार जो है इसकी एग्जाम आपको देनी पड़ती थी, लेकिन अभी जो है इन्होंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो कोर्स है ये एक साल का ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है दो सेमेस्टर आपको यहाँ पर देने होंगे, यानी कि अभी जो है आपका ये ईयरली पैटर्न न होकर ये सेमेस्टर पैटर्न हो गया है, लेकिन फिर भी जो है ये आपका यहाँ पर फुल टाइम कोर्स है। अब जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर जो है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है यहाँ पर टोटल जो है 5 आपको सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, दूसरा है फायर सर्विस इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस, थर्ड है फायर एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन, फोर्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट और फिफ्थ है फायर फाइटिंग ड्रिल्स। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हर एक सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर इसका एब्रिविएशंस क्या है, कोर्स कोड क्या है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब पहला जो सब्जेक्ट है इसके लिए जो है टीचिंग स्कीम यहाँ पर बताई गई है, जिसको एलटीपी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब एल का मतलब होता है यहाँ पर लेक्चर्स, टी का मतलब होता है यहाँ पर ट्यूटोरियल और पी का मतलब होता है यहाँ पर प्रैक्टिकल। अब पहला जो सब्जेक्ट है इसमें लेक्चर आपके 4 होंगे, ट्यूटोरियल आपका यहाँ पर 2 होगा और प्रैक्टिकल यहाँ पर कुछ भी नहीं। तो इन तीनों को मिलाकर जो है आपका यहाँ पर क्रेडिट हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पर 6। अब हर एक सब्जेक्ट को जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब कुछ जो सब्जेक्ट है उसका जो है खाली थ्योरी होने वाला है, कुछ जो सब्जेक्ट है उसका जो है खाली प्रैक्टिकल होने वाला है। अब यहाँ पर थ्योरी में आप देख सकते हो कि इसको जो है ईएससी और पीए में डिवाइड किया गया है। अब ईएससी का मतलब होता है यहाँ पर इन सेमेस्टर एग्जाम, पीए का मतलब होता है यहाँ पर प्रोग्रेसिव असेसमेंट। अब ईएससी जो है आपका यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इसके ऊपर रहने वाला है 70। स्टार हैश का मतलब होता है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम। अब यहाँ पर जो है ये आपकी ऑनलाइन एग्जाम जो है रहने वाली है। अब 70 में से जो है आपको 35 जो है मार्क्स लेने होंगे पासिंग के लिए। पीए जो है यहाँ पर वो है 30 का, तो इसमें टोटल जो है 70+30 हो जाते हैं 100, और 100 आउट ऑफ जो है आपको यहाँ पर 50 जो है पासिंग मार्क्स लेने होंगे पासिंग के लिए। अब यहाँ पर ये जो आपका थ्योरी का जो पहला पेपर है ये आपका जो है इसके लिए जो है ऑनलाइन तो रहेगा, लेकिन ये 1.5 घंटे का जो है इसका ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया है। पहला पेपर आपका हो गया यहाँ पर 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका थ्योरी पेपर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल है, और 100 में से जो है आपको 50 मार्क्स जो है पासिंग के लिए आपको चाहिए। थर्ड पेपर जो है इसका थ्योरी पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का जो है आपका इसका जो है ड्यूरेशन रहेगा, 100 मार्क्स रहेंगे, उसमें से जो है 50 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए, इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं है। फोर्थ जो पेपर है इसका थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है, 100 में से जो है 50 पासिंग चाहिए। फिफ्थ जो पेपर है ये भी जो है इसका थ्योरी का पेपर नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल का है, 100 में से जो है आपको 15 जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। तो इस प्रकार जो है फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका इसमें टोटल जो है आपका 500 मार्क्स का जो है टोटल पेपर आपका यहाँ पर रहने वाला है। फिर उसके बाद नीचे में जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको जो है सेकंड सेमेस्टर के बारे में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब सेकंड सेमेस्टर में जो है टोटल 5 सब्जेक्ट है। पहला जो है वो है सिक्योरिटी एक्ट्स एंड लॉज, सेकंड है फायर सर्विस इक्विपमेंट, थर्ड है रेस्क्यू टेक्निक, फोर्थ है प्रोजेक्ट और फिफ्थ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का। अब यहाँ पर इसका कोर्स अब्रिविएशंस क्या है, कोर्स कोड क्या है, वो आप देख सकते हो। टीचर स्कीम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। पहला जो पेपर है वो थ्योरी का आपका रहने वाला है, थ्योरी का इसका जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 1.5 घंटे का, 100 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, इसमें से जो है आपको 50 जो है पासिंग मार्क्स चाहिए। जो पहला पेपर है इसका जो है थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, और बाकी जो 4 पेपर्स है इनका जो है थ्योरी नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। तो लास्ट वाला जो पेपर है आप यहां पर देख सकते हो, ये जो है 200 का जो है इसका प्रैक्टिकल होने वाला है, इसमें से जो है 100 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। तो टोटल यहां पर जो है सेकंड सेमेस्टर आपकी होने वाली है 600 मार्क्स की। फिर उसके बाद हम नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हैं तो और भी इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट था हमारा वो था इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट का। तो ये जो सब्जेक्ट है
इसमें से जो है यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक और कंटेंट्स रहने वाले हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, यानी कि पहला यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। तो हर एक यूनिट के ऊपर जो है यहाँ पर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको जो है शॉर्ट में जो है यहाँ पर समराइज किया गया है। तो यहाँ पर जो है पहले सब्जेक्ट में जो है टोटल 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट में जो है पहला जो यूनिट है सेफ्टी मैनेजमेंट का, उसके ऊपर जो है आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेम उसी प्रकार जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल जो है 70 मार्क्स का जो है ये आपका यहाँ पर पेपर बन जाता है। सजेस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन कौन सी जो बुक्स है वो आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। तो पहली जो बुक है वो है नेशनल सेफ्टी काउंसिल हैंडबुक फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशंस। तो ये जो है इसका ऑथर है NAPA। तो ये जो बुक्स है आप यहाँ पर रेफर कर सकते हो। तो फिर उसके बाद नीचे में स्क्रॉल डाउन करते हो तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही जो है सेकंड सब्जेक्ट है फायर सर्विस इक्विपमेंट एंड अप्लायंसेस। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर जो है क्या क्या चीज़ें जो है कंटेंट रहने वाला है, जैसे कि ये प्रैक्टिकल्स है तो उसमें से जो है क्या क्या आपको स्टडी करनी पड़ेगी वो सारा जो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। टॉपिक्स में कंटेंट्स क्या क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो नीचे में जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाओगे तो वैसे वैसे जो है आपको हर एक जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में जो है क्या टॉपिक्स और कंटेंट्स है और उसमें से जो है कितने मार्क्स की जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसके लिए जो है कौन सी बुक जो है आप पढ़ सकते हो, ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जो है ये आपका जो है यहाँ पर सिलेबस जो है वो रहता है। तो अगर आपको जो है इसको अगर डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।